बर्ड्स फैमिली। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में एक होशियार और समझदार मीनू चिड़िया रहा करती थी। वे किसी भी मुसीबत में फंसे हुए जानवरों की हर तरह से मदद करती थी। एक दफा मीनू चिड़िया जंगल में कहीं घूम रही होती है, तभी अचानक उस मीनू चिड़िया को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वे बच्चा एक तोते का होता है, जो कि बहुत छोटा था और शायद वे अपने घर से दूर आ गया था। मीनू चिड़िया उसके पास आती है और बड़े प्यार से उससे कहती है, मेरी मित्र पीटर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिल्कुल चिंतित मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अभी आ जाऊंगी, बस तुम रोना मत। मीनू चिड़िया तोते के बच्चे को प्यार से समझा रही होती है। तभी मीनू चिड़िया कुछ फल लाकर उस तोते के बच्चे को खिलाती है, जिन फलों को खाने के बाद वे तोते का बच्चा काफी शांत हो जाता है। फिर कुछ समय में वे तोते का बच्चा वहीं पर आराम से सो जाता है। अरे वाह, लगता है ये तोते का बच्चा काफी भूखा था, तभी तो फल खाने के बाद ये कितना शांत हो गया है। मीनू चिड़िया उसे देखकर खुश होती है, परंतु वह वहीं पर बैठी रहती है। फिर कुछ समय में एक तोता अपने बच्चे को ढूंढता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की है और इसे फल खिलाकर शांत भी किया है। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम हम सब पक्षियों की बहुत मदद करती हो। अरे तोते भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं तमाम पक्षियों की मदद करूं। परंतु आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका बच्चा इतना छोटा है, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? अरे मीनू चिड़िया मत पूछो, ये छोटा है परंतु ये शरारती भी है। बाहर खेलने के चक्कर में ये घूमता घूमता यहाँ तक आ गया और मैं तो इसे तब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने इसे खिला पिला के सुना दिया है। अरे तोते भाई, आपको इतनी सी बात के लिए मुझे धन्यवाद कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। वे तोता मीनू चिड़िया की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे तोता अपने पास रखे हुआ एक चमकता हुआ पत्थर मीनू चिड़िया को देता है और उससे कहता है, अरे मीनू चिड़िया, ये एक चमकता हुआ जादुई पत्थर है और ये पत्थर मुझे एक परी ने दिया था और उसने मुझसे कहा था कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ूं तो इसका इस्तेमाल कर लूं। परंतु मुझे लगता है इसकी आवश्यकता मुझसे ज्यादा तुम्हें है, क्योंकि तुम तो हर पक्षी की पूरे जंगल में मदद करती रहती हो। अरे वाह तोते भाई, क्या ये पत्थर वाकई में जादुई है? अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये पत्थर वाकई में जादुई है, जब तुम मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल कर लेना। फिर मीनू चिड़िया उस चमकते हुए पत्थर को ले जाती है और मीनू चिड़िया उस चमकते हुए पत्थर को हमेशा अपने साथ ही रखती थी और पूरे जंगल में मीनू चिड़िया तमाम पक्षियों की मदद किया करती थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, परंतु फिर एक दिन मीनू चिड़िया एक झील के पास बैठी हुई होती है। तभी एक बड़ी सी चील उसके शिकार की तलाश में वहाँ पर आ पहुँचती है। अरे वाह, क्या दिन है आज, इतनी हट्टी कट्टी चिड़िया, इसे खाकर तो मेरा पेट आराम से भर सकता है, इसका तो शिकार कर ही रहूँगा मैं। मीनू चिड़िया को भी ये भनक लग चुकी होती है कि खतरा उसके आसपास ही है। वे मन ही मन सोचती है, अरे मर गई, ये चील तो कितनी बड़ी और भयानक है और ये तो मेरा शिकार करने आई है, और मैं तो कितनी नाजुक और नन्ही सी जान हूँ, मैं इसका मुकाबला क्या कर सकूंगी? परंतु मेरे ख्याल से मुझे इससे डरना नहीं चाहिए और मुझे इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। फिर मीनू चिड़िया काफी सोचने के बाद उस चील के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उससे कहने लगती है, अरे चील, दूर हो जाओ मुझसे और तुम मेरा शिकार करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बलवान हूँ और अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हारा मार मार कर बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। चील मीनू चिड़िया की बात सुनकर काफी हंसती है और फिर मीनू चिड़िया से कहती है, तुम और मुझे मारोगी, एक मामूली सी चिड़िया और मुझे मारने की बात कर रही हो, मेरी शक्तियों का अंदाजा भी है तुम्हें। मीनू चिड़िया ने चील के सामने बड़ी बड़ी बातें कर तो दी होती हैं, परंतु वे अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है
इसी कारण मीनू चिड़िया के पर से वे चमकता हुआ जादुई पत्थर नीचे जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही समय में उस पत्थर के जादू से वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस चील से इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारी शक्तियों के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अरे परी, क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? क्या मैं वाकई में इस चील का मुकाबला कर सकती हूँ? वे परी सिर्फ मीनू चिड़िया को ही नजर आ रही होती है और वे चील मीनू चिड़िया को ऐसे अपने आप से बातें करता हुआ देख मीनू चिड़िया से कहती है, अरे मीनू चिड़िया, मेरे खौफ से क्या तुम पागल हो गई हो जो खुद ही से बातें करी जा रही हो? तभी वे परी मीनू चिड़िया पर कुछ जादू करती है और देखते ही देखते मीनू चिड़िया चील से भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और मीनू चिड़िया में काफी ज्यादा शक्तियाँ भी आ जाती है। फिर वे परी भी वहाँ से गायब हो जाती है और मीनू चिड़िया चील से कहती है, क्या हुआ चील, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे देखकर कहीं तुम डर तो नहीं गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा शिकार नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बलवान हूँ। अपने सामने इतनी बड़ी चिड़िया देखकर चील की तो हालत खराब हो जाती है और वे मीनू चिड़िया से डरते डरते कहती है, अरे चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो, वरना मैं तुमसे कभी लड़ने नहीं आता, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं चील, अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि तुमने बहुत सारे मासूम पक्षियों की जान ली है और उन्हें मारा है, इसलिए अब तुम्हारी मृत्यु भी निश्चिंत है। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उस चील को वहीं पर मार देती है। मीनू चिड़िया के इतने ज्यादा बलवान होने की बात पूरे जंगल में फैल चुकी थी और तमाम पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि मीनू चिड़िया अब तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करती थी और तमाम पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारी बर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।